हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए भी है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, दो बलों पी तथा क्यू के परिणामी का परिमाण पी है। यदि पी को दोगुना कर दी जाए तो परिणामी क्यू के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो फ्रेंड, पी और क्यू का परिणामी को यदि दोगुना कर दी जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर से आपका पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू प्लस 2P कॉस थीटा। जैसा कि फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2P साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। किसी वैल्यू में शून्य का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। टेन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और टेन 90 का मान, टेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो अल्फा का मान होगा। फ्रेंड इसमें पी का मान दिया है, पी इज इक्वल टू 12 न्यूटन और क्यू इज इक्वल टू दिया है 5 न्यूटन और आर इज इक्वल टू 13 न्यूटन। फ्रेंड फार्मूला होता है, फार्मूला आप क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला में हम वैल्यू को रख देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 आपका, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 इंटू पी का मान 12 हो जाएगा, अब पी का मान 5 हो जाएगा और कॉस थीटा इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 0, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है 0। तो अल्फा किसका होता है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन ही हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण बताना है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा, पी का मान दिया है, पी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 न्यूटन, और क्यू इज इक्वल टू भी
3 न्यूटन। दो बल लगे हैं ना पी तथा क्यू, दोनों का मान क्या है 3 ही है। अब क्या पूछा है, परिणामी बल का मान भी 3 ही न्यूटन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू पी और क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 और कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 80 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 9 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 80। तो कॉस माइनस 9 अपॉन 18 तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 अंश का मान होता है, कॉस 120 अंश का मान होता है 1/2। तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1/2 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 अंश, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अंश। तो फ्रेंड ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। फ्रेंड्स इसमें भी देखिए पी का मान भी दिया है और क्यू का मान भी दिया है। फ्रेंड्स उसी तरह फिर क्या करेंगे, पहले पी का मान लिख लेते हैं। पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 और क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो चलते हैं, फार्मूला होता है आपका पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 कॉस 90 हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कैलकुलेट करने पर हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 54। इसको ऐसे लिख देंगे आर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो आपका सी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 न्यूटन का इस पे परिणामी बल होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समान वेक्टरों का परिणाम 0 है, उनके बीच का कोण होगा। फ्रेंड दो समान वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, जैसा कि समान वेक्टर बोली रहा है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों। तो फॉर्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2PQ कॉस थीटा।
तो फ्रेंड्स आर का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा और इसमें कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 2p² + 2p² cos थीटा और 2p² से 2p² आपका कैंसिल हो जाएगा तो cos θ = -1 और cos -1 = क्या होता है 180 डिग्री। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण, फ्रेंड यहाँ अधिकतम पूछा है, तो दो सदिशों के बीच का कोण अधिकतम होगा, परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए तथा बी का परिणामी हो जाएगा आपका r² = √, फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। समीकरण एक इसको बना दीजिए और r का महत्तम मान ले लेंगे तो आपका हो जाएगा r = a + b। ऑप्शन समीकरण दो, जब समीकरण एक और दो को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a + b = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो θ = सारी जगह से कैंसिल हो जाएगा ये, तो θ = 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि फ्रेंड्स ये पिछले 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लासेस में मैंने आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।